उसके बाद उसको सिखाना मुश्किल है। पहले बचपन में तो सिखा देते हैं कुछ भी बनाओ, मगर एक बच्चा लोग एक चिड़िया, एक गाय, कोई भी एनिमल फ्रंट से नहीं बनाता है, आदमी बनाता है। क्यों? देखो चिड़िया कभी फ्रंट से नहीं बनाता, बोलो ऐसा बनाएगा प्रोफाइल है, तार कारण हलो पेंसिल कुटे गल। মানুষ এইভাবে থাকে, পাখি এইভাবে থাকে, এখান থেকে মুখ, এখান থেকে তেল, এটা দেখে, এইভাবে দেখে না। তুমি ইজিপশিয়ান পেন্টিং দেখি না, হেড জো হ্যায় প্রোফাইল, এইখান ইহা সে লেকে কমর তক ফ্রন্ট, ইহা সে ইহা তক প্রোফাইল। কেউ ক্যুকি লো রিপ, लो रिलीफ में गोल करना बहुत मुश्किल, फ्रंट करना बहुत मुश्किल, उसके रिलीफ को ला देते थे, अरे इसको फ्रंट कर देते, यहाँ से जगह प्रोफाइल, ये तो रिलीफ करने के लिए लो रिलीफ टेक्निकल जो है ना। जब हाई रिलीफ करते थे तो गोल बनाते थे, इटामा जोल एक दफे बच्चों लोग ना ड्राइंग कर रहा था, हैं सबको इसे पूछा टीचर जो फुटबॉल खेला देखे हो, सबने हाथ उठाया देखे हैं। सो गया बैठ पेपर के नजदीक सिर लाया, वो ड्राइंग करना शुरू किया, जैसे जैसे क्या जैसे फिगर बनाते हैं, जैसे गोल बनाया ऐसे क्या, मगर एक टीचर आकर देख रहा था, एक लड़का के पास खड़ा हो गया, वो देख रहा था एक वो लड़का दो फुट पर बना है। अच्छा, उसने पूछा फुट पर बना है, उसने पूछा तुम दो फुटबॉल क्यों बनाते हो, फुटबॉल तो एक फुटबॉल से खेला होता है। वो लड़का उत्तर दिया नहीं, उत्तर नहीं दिया, दिया तो दिया ही नहीं। फिर दूसरा एक टीचर आया, किसी के पास वो बहुत सारा लड़का ईजी हो जाता है, तो सेकेंड जो टीचर आया वो उसके पास बैठा, वो आस्ते आस्ते उससे पूछा कि तुम क्यों बनाए हो दो बोर्ड पर, उसने बोला यहाँ से मारा वहाँ गिरा, कौन सा राइट, एक फुटबॉल रहे ना दो फुटबॉल रहे। बोलो यहाँ से मारा है वहाँ से गिरा है, उसने दो फुट बना, वो ज़्यादा सोचता है। अब आपका पेंटिंग आर्ट का भूमिका है, आर्ट का एजुकेशन थ्रू आर्ट होना चाहिए। आर्ट का एजुकेशन नहीं होने से हम लोग क्या होते हैं, क्रिएटिविटी चला जाता है। बच्चे लोगों का क्रिएटिविटी डेवलप करने के लिए प्राइमरी स्टेज से आर्ट होना चाहिए कंपलसरी। ऊपर जीते हैं टुक टुक कॉल आते देखे हो। हमें जानी ना, अभी जब ही बोल रहा हूँ ना, बहुत अभी जब ही बोला मैंने, नहीं बहुत ज़्यादा बोला, नहीं नहीं ज़्यादा नहीं बोला। मैं ये चाहती हूँ कि नताशा आपसे थोड़ा सा बोले, क्योंकि इसने आपका जो काम है एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे लगाया जहाँ की बहुत सारे आर्टिस्ट हैं। जब इसने डॉक्यूमेंटा में आपका काम लगाया तो इसने विभान सुंदरम फोन किया था मुझे। हाँ विभान सुंदरम बोला आपका पेंटिंग देखा मैंने, बहुत गए थे वो। हाँ मेरे साथ ही थे वो। अच्छा तो मैं ये नताशा से जानना चाहती हूँ, और आपको मैं
चाहती हूँ वो बताए आपको कि आपको वो किस उस एग्जीबिशन में जहाँ की इतने सारे इंटरनेशनल आर्टिस्ट थे तो तो आपके काम को वो कैसे देखी थी वहाँ पे कैसी देखी थी এখন আমার কোমরে ব্যথা করছে, এখানে বাঁ দিকে পাটা ব্যথা করছে। চিকেনটা খাও। এটা কি আমার চ্যালেঞ্জ শুধু? কি ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন? Natasha मिलती नहीं है ना हम लोगों को, ना तो उसको पकड़ना चाहते हैं। कैच अप जब हम लंदन में जो शो किया था, कौन सा शो? हमने मैंने और मेरी एक ऑस्ट्रेलियन क्यूरेटर है, मेरी फ्रेंड विवियन जिहर्ड करके, तो हम दोनों विवियन और मैं जब हम लोग एम्स्टरडैम में मिले, ओके डिस्टर्ब हाँ वहाँ पे दादा जब हम मिले ना, तो हम यूरोप में हमने हमारा स्टडी किया क्यूरेटिंग में, एग्जीबिशन कैसे बनाते हैं, ये बड़े बड़े म्यूजियम्स में क्या दिखा रहे हैं आजकल, ऐसे हमने हमारा पढ़ाई किया। तो हमें ऐसे लगा कि ये जो क्वेश्चन है लैंड से, लैंड का क्वेश्चन है या विलेज रूरल लाइफ, उस पर ज़्यादा मतलब जो उसका जो पोटेंशियल है, आप जैसे हमने रिवर से स्टार्ट किया बात करना, वैसे जो यूरोपियन क्यूरेटर्स हैं वो उन्हें लगता है कि ये तो बहुत मतलब मॉडर्निस्ट पुरानी बात है ये सब, ये कंटेम्प्रेरी आर्ट में कम है ये थिंकिंग कि लैंड का रिलेशन क्या है हम सब के साथ, और आर्टिस्ट रिलेशनशिप टू लैंड, ये क्वेश्चन ज़्यादा एग्जीबिशन में दिख नहीं रही थी। तो हम दोनों ने सोचा क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया से है और मैं यहाँ से, तो हमने सोचा कि हम एक लंबा प्रोजेक्ट करेंगे 2 साल का, उसमें हम इसी के बारे में बात करेंगे कि एज थिंग्स चेंज ऑल्सो एनवायरनमेंट में एज चेंज आता है, और जिस द रिलेशनशिप टू लैंड नॉट एज लैंडस्केप बट द रिलेशनशिप टू लैंड इज एज लैंड फॉर्म विच इज़ अ डिफरेंट क्वेश्चन राइट। तो वो हमने ऐसे स्टार्ट किया एक इंक्वायरी, फिर हम अलग अलग आर्टिस्ट से मिल रहे थे, और हम लोग आर्टिस्ट से ही नहीं, हम पुरानी सब जो कॉलोनियल टाइम के जो मैन्यूस्क्रिप्ट हैं मैप्स हैं वो सब हम देख रहे थे ज़्यादा, और देख रहे थे कि उस टाइम की जो इमेज थी उसका इम्पैक्ट क्या है आर्टिस्ट पे। तो दोज वर ऑल्सो द ईयर्स व्हेन आई केम अक्रॉस योर वर्क। अच्छा अच्छा हाँ,
कहाँ? मतलब हम जब मिले, हम 2012 में से हम जब आए पहली बार, है ना, अब तो 2018 हुई तो 5-6 साल हो गए. तो वो जो एग्जीबिशन थी वो बहुत ही स्पेशल थी, क्योंकि उसमें हमने ये दिखाया, एक काम था, एक आर्टिस्ट है बोनीटा ईली, बोनीटा ईली फेमिनिस्ट, वेरी इम्पॉर्टेंट वर्क ऑन एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, बट ऑल्सो ट्राइंग टू रिलेट एज अ फीमेल बॉडी टू लैंडस्केप एंड टू द रिवर. ऐसे हम उन्होंने बड़ा प्रोजेक्ट किया था. अच्छा अच्छा. तो लंदन में और फिर डॉक्यूमेंटा में भी उनका काम था, पर जो लंदन में उनका काम था, इट वॉज अ अमेजिंग प्रोजेक्ट वेयर शी यूज टू गो टू वन रिवर वेयर दे देयर वॉज सम फैक्ट्रीज नियर बाय. वहाँ पे वुल की फैक्ट्री थी, तो वुल वॉज बींग प्रोसेस्ड एंड ऑल ऑफ द सुएज एवरीथिंग वॉज गोइंग टू द रिवर, बट शी यूज टू गो टू द रिवर एंड मेक कोलाजेस एंड ड्रॉइंग्स यूजिंग थ्रेड. थ्रेड से शी यूज टू मैप द चेंजेस इन द रिवर. तो उन्होंने ऐसे बहुत साल तक ऐसा रिवर मैपिंग का एक प्रोजेक्ट किया था. अच्छा. तो जो लंदन में, ये पता नहीं आपने फोटो देखी कि नहीं, पर लंदन में उनका भी काम था. अच्छा 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 अच्छा. तो जब मैंने आपके काम के साथ दिखाया है, आपकी जो पेंटिंग दिखाया है, तो मैं ऑलवेज सोचती हूँ कि आपके काम के साथ हम कैसा कॉन्वर्सेशन बिल्ड कर सकते हैं. क्योंकि पहले क्या होता था कि ओके, ये है ऑस्ट्रेलियन आर्टिस्ट का पूरा सोलो एग्जीबिशन, या ये है इंडियन आर्टिस्ट का, तो दैट्स अ डिफरेंट सेंसिबिलिटी. वी वांटेड टू मेक एन इंटरनेशनल एग्जीबिशन बट हैव दिस क्वेश्चन ऑफ लैंड. तो एक दूसरे जो आर्टिस्ट है, जो मैंने आपको पहले बताया है, वो जो लेबनान के आर्टिस्ट पोएट है एतेल अदनान करके, तो शी वॉज ऑलवेज शी मूव फ्रॉम लेबनान टू कैलिफोर्निया and the time na to the relationship that she had pehle aur then later she started to California, she found to unki badi series thi like a laparello print.